अगले कुछ दिनों में आपका घर पावर कट की चपेट में आ सकता है, क्योंकि देश में केवल 4 दिन का कोयला बचा हुआ है। जी हाँ, भारत में बिजली उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कोयले का ही होता है, और ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक कोयले पर आधारित बिजली उत्पादन केंद्रों में कोयले का स्टॉक बहुत कम हो चुका है। देश में सिर्फ 4 दिनों का ही कोयले का स्टॉक बचा है। देश में 70% बिजली उत्पादन केंद्र कोयले पर आधारित हैं। कुल 135 थर्मल पावर प्लांट्स में से 72 के पास कोयले का सिर्फ 3 दिन से भी कम का स्टॉक बचा है, जबकि 50 पावर प्लांट ऐसे हैं जहां कोयले का 4 से 10 दिन का स्टॉक बचा हुआ है। 13 प्लांट्स ही ऐसे हैं जहां 10 दिन से ज़्यादा का कोयला बचा है। ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार इसके पीछे बड़ी वजह कोयले के उत्पादन और उसके आयात में आ रही दिक्कतें हैं। मानसून की वजह से कोयला उत्पादन में कमी आई है, इसकी कीमतें बढ़ी हैं और ट्रांसपोर्टेशन में भी काफ़ी रुकावटें आई हैं। ये ऐसी समस्याएं हैं जिसकी वजह से आने वाले समय में देश के अंदर बिजली संकट पैदा हो सकता है। आपको बता दें कि ऊर्जा मंत्रालय ने बताया है कि बिजली संकट के पीछे एक वजह कोरोना काल भी है। दरअसल इस दौरान बिजली का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है और अब भी पहले के मुकाबले बिजली की मांग काफ़ी बढ़ी हुई है। ऊर्जा मंत्रालय के एक आंकड़े के अनुसार 2019 में अगस्त सितंबर महीने में बिजली की कुल खपत 10,660 करोड़ यूनिट प्रति महीना थी। यह आंकड़ा 2021 से बढ़कर 12,420 करोड़ यूनिट प्रति महीने तक पहुंच गया। बिजली की इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोयले की खपत बढ़ी। 2021 के अगस्त सितंबर महीने में कोयले की खपत 2019 के मुकाबले 18% तक बढ़ गई। भारत के पास 300 अरब टन कोयले का भंडार है, लेकिन फिर भी बड़ी मात्रा में कोयले का आयात इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों से करता है। अगर इंडोनेशिया की ही बात करें तो मार्च 2021 में कोयले की कीमत $60 प्रति टन थी, जो अब बढ़कर $200 प्रति टन हो गई है। इस वजह से कोयले का आयात कम हुआ। ऐसी कई वजहें हैं जिससे थर्मल पावर प्लांट्स की बिजली की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोयला नहीं पहुंच पा रहा है। इस वजह से प्लांट के कोयला भंडार समय के साथ साथ कम होते गए। अब हालात यह है कि 4 दिन बाद देश के कई इलाकों में अंधेरा हो सकता है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कोयले के संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सक्षम और दूरदर्शी नेतृत्व में कोयला बिजली स्टेशनों के पास केवल औसतन 4 दिनों का कोयले का स्टॉक बचा हुआ है। यह पिछले कई सालों में सबसे कम उपलब्ध स्टॉक है। बिजली बिल के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है, इसके अलावा बिजली कटौती का सामना भी करना पड़ सकता है। देश में 70% बिजली कोयले पर ही निर्भर करती है, तो अगले कुछ दिनों में आपके घर का पावर कट भी चपेट में आ सकता है, क्योंकि देश में केवल 4 दिन का ही कोयला बचा हुआ है।